हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल जमेंट अकेडमी में। बात करेंगे आपसे ये जी थ्री को लेकर। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि क्या कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है। इसी वीडियो को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, बोला था कि सब कुछ बता दिए, क्या कुछ ले जाना है क्या कुछ नहीं ले जाना। तो चलिए शुरू करते हैं डीबी में आपको क्या कुछ ले जाना है। चलिए सबसे पहला जो है आपको ले जाना है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप लोगों का कमेंट ये भी रहेगा कि आईडी प्रूफ में क्या ले जाना है, आधार कार्ड या पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आता है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप जैसे फॉर्म फिलअप किए होंगे तो लास्ट में फाइनल सबमिट के बाद जो प्रिंट आउट निकलता है उसी को ले जाना है। काफी लोग बोलेंगे मेरा तो गुम हो गया है अब क्या होगा, तो उसके लिए मैं बता दूं जिनका गुम हो गया है वो चिंता करने की बात नहीं है। रिजल्ट के बाद एक बार और भी साइट खुलेगी, वहां से आपको फिर से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है मार्कशीट 10th 12th और ग्रेजुएशन। तो इसमें क्या है कि आपका जो कई लोग पूछेंगे कि ग्रेजुएशन वाला फाइनल लगेगा, हाँ ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट जो है आप ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपको ले जाना है वो है कन्वर्जन सर्टिफिकेट। आप बोलेंगे कन्वर्जन सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा, तो आपके कॉलेज में मिल जाएगा। कहां से मिलेगा मैं आपको बता दे रहा हूं। कॉलेज में जाएंगे सीधे बाबू के पास जाइएगा, जैसे आपको रिजल्ट निकलता है आपको पता चलता है कि आप डीबी के लिए सिलेक्टेड हैं, तो आप सीधे सीधे कॉलेज में चले जाएंगे। कई कॉलेज में जैसे मेरे कॉलेज में है तो बाबू एक दिन में बना के देता है। कई कॉलेज में बाबू को दौड़ाने की आदत होती है क्योंकि उनको चाहिए कुछ, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, 2-3 दिन जाते हैं इसमें। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका रिजल्ट निकले तुरंत जाके वहां से ये बनवा लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी जो भी आपका है वो आप जो है बनवा लीजिएगा। वो भी मैंने बता दिया लास्ट वीडियो में कि आपका सेंट्रल वाला लगेगा स्टेट वाला नहीं लगेगा, ठीक है। वो भी फॉर्मेट जो है वो एफसीआई के वेबसाइट पर दिया है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपका फॉर्मेट गड़बड़ होता है तो वो आप रिजेक्टेड की लिस्ट में भी जा सकते हैं। बताता है कंप्यूटर के लिए कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा कंप्यूटर के लिए, तो मैं आपको बता दूं कंप्यूटर के लिए जो भी होगा पहले उस पर यह देखा जाएगा कि आईएसओ सर्टिफाइड है या नहीं है, आपका जो संस्थान है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो रजिस्टर्ड संस्थान से ही कंप्यूटर डिग्री जो है मान्य होगा। जो लगेगा जो आपका सारा कुछ डॉक्यूमेंट है उसका 2 फोटोकॉपी करा लीजिएगा, 2-2 प्रिंट करा लीजिएगा, और वो भी अटेस्टेड होना चाहिए किसी भी ऑफिसर के। मैं आपको बता दूं कहां जाके इजिली आप अटेस्टेड करा सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका जो मैं बता रहा हूं हॉस्पिटल में, वहां पे जो भी डॉक्टर वगैरह है वो अटेस्टेड कर देते हैं बिना किसी झंझट के। और डाउट था कि स्किल टेस्ट जो है कब होगा, तो स्किल टेस्ट है वो रिजल्ट आने के बाद होगा, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। कोई भी और भी डाउट है आपका तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है वहां से आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा डाउट को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो होप करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप जो भी ग्रुप है सब में फैला दीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल को दबाना ना भूलिएगा क्योंकि इसी तरह के अपडेट जो है इसी चैनल पर मिलते रहते हैं। मैंने वेबसाइट पर बहुत सारी वीडियो बनाई है, जाके देख सकते हैं चैनल पर। थैंक यू।